नमस्कार दोस्तों, आप जो सामने ये देख रहे हैं ये एक तरह का मशरूम है और इसे जंगली मशरूम भी कहा जाता है। आप देख पा रहे हैं और ये कुछ इस तरीके का होता है। और यहाँ पे ये तीन मशरूम यहाँ लगे हुए हैं, मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ। ये इस तरीके का और एक ये सबसे बड़ा, ये जिसका ये देखिए आपने, ये पूरा ये खुला हुआ है। और इस तरीके की आपने जो मशरूम है वो अक्सर देखा होगा किसी खेत के अंदर या जंगल में, आपको ऐसी चीज़ें देखने को मिलती है। और ये हमारा एक वर्मी कंपोस्ट फार्म है, हम यहाँ वर्मी कंपोस्ट बनाते हैं। और इस तरीके से ये चीज़ें मिलना मतलब कि आपका कहीं ना कहीं आपका जो सोइल है उसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर काफ़ी अच्छा, फंगस है ये एक तरह का। और ये जब ऑर्गेनिक मैटर जहाँ हाई होगा वहाँ ये अपने आप ही ग्रो कर जाता है। और अभी जैसे रेनी सीजन है, बारिश हो रही है अभी, और उसकी वजह से इसको मशरूम को एक प्रॉपर इसको एक एनवायरमेंटल कंडीशन मिल जाती है, तो इजीली ये ग्रो भी हो जाता है। अब ये दोस्तों वैसे काफ़ी तरह के मशरूम होते हैं दुनिया भर के अंदर और सारे एडिबल भी नहीं होते, मतलब कि काफ़ी हानिकारक भी होते हैं। और काफ़ी जैसे ऑयस्टर जैसे मशरूम आपने सुना होगा वो हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छा रहता है, बट डाल के खाएँ ना और पहले इसका स्टडी करें, उसके बाद में इसको कंजप्शन के काम में लें। और इस तरीके से आप अपना जो सॉइल है उसका भी आप पता कर सकते हैं कि आपका सॉइल कितना हेल्दी है। अब ये देखिए आप, ये यहाँ पे भी आपको देखने को मिल रहा है। तो इस तरीके से आपको ये जहाँ जहाँ आपका ऑर्गेनिक मैटर अच्छा होगा वहाँ वहाँ आपको ये देखने को मिलेगा। क्योंकि यहाँ जब से हमने काम स्टार्ट किया है यहाँ लगभग 2 साल हो गए, तो इस ज़मीन का ऑर्गेनिक मैटर काफ़ी अच्छा हो गया है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो भी हम कुछ लगाते हैं, जैसे आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं ये पेड़ है, ये काफ़ी अच्छे से ग्रो भी करते हैं यहाँ पे और इनको न्यूट्रिशंस की कुछ कमी नहीं हो पाती। तो दोस्तों इस तरीके से आप वीडियो से जुड़े रहें और हम इस तरीके से आपको नई नई वीडियो से अपडेट करते रहेंगे। धन्यवाद।